थ्री फोर फाइव एंड लेट्स गो। एंड यहाँ से हम लोग बड़ी जंप। बच्चे सबसे खतरनाक होते हैं जो बीच के भाई, भागो भागो ट्रैप करने फंसाने के लिए। एंड उसको पता चल गया हम लोग इससे तो हम SMB के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर बन सकते हैं। हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टर गेमर 100। तो आज के दिन मैंने अपना खुद का डायमंड सूट बना लिया है, ये देख लो। और यार आज के दिन हम सोच रहे हैं कुछ अच्छा कुछ करें, मतलब कुछ बनाए बिल्ड करें अपने SMP में। और यहाँ पे अपना पवन क्यों आ रहा है? हेलो पवन, क्या हो गया? तो पता है क्या, अपने लेदर के पास एक नेदरराइट का आर्मर है। मेरे को तो नहीं पता था पवन तेरे को ऐसा पता चल गया। अरे मेरी बात सुन, सही से सुन। मैं एक दिन उसके घर के यहाँ घूम रहा था, उसके नेदरराइट का आइटम था, ठीक है? तू उस टाइम था नहीं, फिर उसने छुपा दिया और मेरे को पता नहीं कहाँ पे छुपाया है। इसलिए मैं तेरे को पूछना है, तेरे को पता है क्या? भाई मेरे को तो नहीं पता, तेरे को पता है तो बता देना, कभी पता चले तो चेक कर ले। तो उस घर पे देखते कुछ है क्या नहीं है। आई थिंक उसने अपने घर के अंदर ही छुपाया होगा, कि उसने बोला अपने घर पे गया, फिर पता नहीं कहाँ चला गया उसका नेदरराइट का आइटम, पर उसने अपने घर पे ही छुपाया होगा, कहीं चेक करता है। और उसने यहाँ पे ब्लॉक क्यों लगाया वुड का, और ये क्यों लगा लिया? हम तो चोरी करते नहीं है कभी। एक बार उसके चेस्टों में देख लेते, क्योंकि चेस्ट में आई थिंक उसके चेस्ट में मिल सकता है नजर आ रहा है। उसका चेस्ट खोल के देखते हैं, ये तो चेक लॉक कर रखा है भाई साहब, बंदे ने लॉक करके रखा है। ये तो पवन का है, ये तो खोल नहीं सकते, उसने अपना भी लॉक किया। ये तो लॉक था सारा बाहर देख के। यहाँ पे कुछ है क्या, मतलब पिछली बार तो एक सेकंड, यहाँ पे प्रेशर पेड क्या कर रही है? पिछली बार तो प्रेशर पेड नहीं थे इसके घर पे यार, कुछ तो गड़बड़ कर रखा है इसने। एक सेकंड, अभी आवाज़ आई, आवाज़ आई कुछ खुला है अंदर, कुछ खुला इस प्रेशर पेड से, कुछ खुल रहा है। और वो बंदा अभी शिवम हमारा बंदा है ना, वो लेफ्ट हो चुका है, उसी ने है ना ये आर्मर से तक रखा है, उसी का घर है। एंड अभी कुछ खुला अंदर, कुछ तो खुला है। फिर से रखते हैं प्रेशर प्लेट के ऊपर एक और प्रेशर प्लेट, हमारे पास पड़ी ऑलरेडी, अपने घर के लिए लाया था, पर यहाँ वेस्ट करनी पड़ रही है। एंड यहाँ पे तो एक सीक्रेट वेस्ट खोला है इसने भाई साहब, डैमेज लग गया भाई, दो हाथ चले गए अपने इसमें। एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही लावा पड़ा है, इसने इतना लावा रखा तो रखा क्यों है, कुछ तो गड़बड़ है। एंड सबसे पहले हम लोग खाना खा लेते हैं, अपना दो हार्ट गए उसको बढ़ाने के लिए। एंड अपने को भूख भी लग रही है, एक हमारा भूख लगने का वो भी चला गया, तो पहले खाना खा लेते हैं। खाना खा लिया हमने और जल्दी से यहाँ से इसको पार करके चलते हैं हम लोग उस साइड। एंड इतना भी इतना हार्ड नहीं था, थोड़ा ईजी था, इतना भी हार्ड नहीं था। फ्रॉम नाउ देयर इज टू हार्ड एंड हॉट, भाई यहाँ पे इतना ईजी था, और शायद तक इसने आगे जाकर थोड़ा सा हार्ड बनाया होगा, क्योंकि यहाँ पे इतने इसको पता ही होगा इतना तो लेवल पार कर लेंगे। यू गॉट इन, हंस रहा है पागल। और यहाँ क्या लिखा है, हाउ मच कैन। एंड उधर यहाँ पे पिस्टल लगा हुआ है, एंड पिस्टल को आई थिंक ऑफ करना पड़ेगा और लावा ऑफ करने के लिए। एंड उसके आगे गेट होगा शायद तक जाने का रास्ता। एंड यहाँ पे भी एक लीवर है, वहाँ पे भी एक लीवर, आई थिंक वो वाला लीवर पिस्टल के लिए होगा, और ये वाला लीवर आई थिंक गेट के लिए होगा। एक सेकेंड, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये क्यों लगाया इसने, मैं तो इजी जंप मार सकता हूँ यहाँ से आराम से, ठीक है? एक काम करता हूँ, एक हाई जंप मारता हूँ, फुल स्पीड में जाऊँगा, 1 2 3 4 5 एंड लेट्स गो। एंड यहाँ से हम लोग बड़ी जंप, भाई सब लावा 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 लावा, हम लावा से बच गए ब्रो, ओह माय गॉड लावा से बच गए। तो खाना खाना पड़ेगा, एक हमारा खाना का हाथ चला गया है, पहले उसको खाना खा लेता, क्योंकि आगे जाके अपने साथ कुछ हो सकता है वो पता है नहीं, खाना खाने का टाइम ना मिले तो, नहीं तो हम लोग खाना खा लेते पहले। एंड यहाँ पे लीवर इसको ऑन करना पड़ेगा, पहले लावा को बंद करते हैं हम लोग, एंड लावा को बंद करते हैं। एंड ये तो गेट का है, मेरे को लगा लावा और पिस्टल का होगा, आई थिंक वो वाला पिस्टल के लिए, तो पहले पिस्टल ऑफ करते हैं, क्योंकि अंदर जाने के लिए लावा ऑन करना पड़ेगा, उसके लिए पिस्टल ऑन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कैमरे पर, आई थिंक हमारे पास थोड़े स्टोन पड़े हैं, एक बार चेक करना पड़ेगा, इन्वेंट्री खोल के देखता हूँ, ये खुल रहा है क्या यहाँ से, एक बार ऐसे चालू करके देखता हूँ खुलता है क्या, नहीं नहीं खुल रहा। आई थिंक स्टोन लगाना ही पड़ेगा, इन्वेंट्री में हमारे पास स्टोन पड़ा है कुछ 64 स्टोन है। यहाँ पे हम लोग तो एक दो स्टोन लगा लेते हैं, एक इधर लगा लेते हैं बाजू में, एंड आगे एंड तक इतने में काम बन जाएगा। एंड लीवर चालू हो गया, खुल गया, एंड ये बंद हो रहा है अपना, पिस्टल चालू हो गया, एंड लावा बंद हो रहा है अपना। एंड इधर देखते हैं, पूरा ख़त्म हो गया, बंद हो गया, पूरा बंद हो गया। एंड यहाँ से अपने आई थिंक गेट खुला है क्या, देखना पड़ेगा, गेट खुला है, गेट बंद है, पहले गेट भी खोलना पड़ेगा अभी। एंड गेट भी हमने खोल लिया पूरा। एंड यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ नहीं है ब्रो, ये बस गेट ही था यहाँ पे, आगे कुछ नहीं है। एंड यहाँ पे क्या लिखा, ये बहुत हंसता है सारा। एंड यहाँ पे यहाँ कुछ अलग कुछ है, कुछ रखा है क्या यहाँ पे भाई, ये क्या है ऊपर क्या रखा है, एक सील रखी है इसने यार, सील किस बात के लिए रखी होगी, कुछ तो होगा आगे। आई थिंक इस जो यहाँ पे इसने कुछ लगा के रखा है, ट्रैप है आई थिंक इसका, इस ट्रैप के अंदर दो चीज़ निकल सकती है, तेर निकल सकता है भाई, जल्दी भागते हैं पहले भाई, भाई भाई जॉम्बी है यहाँ पे बहुत सारे भाई, जॉम्बी इसने खोल के रखे थे वहाँ पे। ओह
भाई 3 ज़ॉम्बी आए। अच्छा मैं फुल स्पीड में भाग के आया था, ऐसा धीमे धीमे आता ना सही में मेरा पूरी हालत ख़राब हो जाती भाई। इन 3 ज़ॉम्बी को तो मारना बहुत ईजी है। निकल निकल निकल, अपने पास गोल्ड डायमंड की तलवार, डायमंड की, तुम क्या सोचते हो मार लोगे मेरे को? साहब अभी एक ही ज़ॉम्बी बचा, नहीं 2 ज़ॉम्बी बचे हैं, इनको भी पहले ख़त्म कर लेते हैं। एक ही ज़ॉम्बी, ये क्या कर रहा है तू यहाँ पे ब्रो? भाई इस बंदे ने इतना इजी बनाया था भाई, इतने ज़ॉम्बी और कहाँ से आ गए भाई? आई थिंक एक ज़ॉम्बी वहीं घूम रहा था, उसने लगता है प्रेस पे भाई। एक सेकेंड, सेट ओनर गेम मोड बाय द एक्सपेक्ट, भाई उस बंदा आ गया अपना, बंदा एंटर कर लिया अपने को पता भी नहीं चला, एंड आई थिंक वो अपने को देख रहा है और उसने ये सब बनाया है भाई। ज़ॉम्बीज को पहले ख़त्म करना पड़ेगा जल्दी से जल्दी, इतने सारे ज़ॉम्बीज कहाँ से आ गए ब्रो? इनको पहले मारो जल्दी से जल्दी से। उसने ही सारे लगता है ज़ॉम्बी लेके आया अपने को ट्रैप करना फंसाने के लिए, एंड उसको पता चल गया हम लोग इसका ये चोरी करने के लिए आए, तो हमें जल्दी से जल्दी काम करना पड़ेगा अपना ख़त्म, एंड इसको जल्दी मारते हैं ज़ॉम्बीज को। इतने सारे ज़ॉम्बीज क्यों आ गए ब्रो, इतने क्यों? इनका तो बच्चा था यहाँ पे ज़ॉम्बी का, वो कहाँ गया? वो भाई ये बच्चा है, बच्चे सबसे खतरनाक होते हैं ज़ॉम्बीज के। भाई भागो 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 जल्दी 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 भागो भाई, बहुत डैमेज पड़ेगा फिर, उनको डैमेज ये ज़्यादा दे रहा बच्चा। भाई जल्दी चल जल्दी चल जल्दी चल जल्दी 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 स्टोन से ऊपर चढ़ते हैं ब्रो ब्रो, जल्दी 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 ना भागना पड़ेगा ये ज़ॉम्बी से बच के ब्रो, यार बहुत ज़्यादा डैमेज दे रहे हैं ये लोग। और जल्दी 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 कितना टाइम लगे, आई थिंक इनसे मारना ही पड़ेगा। एंड ये बच्चे, अरे बच ये सब एक साथ आ रहे हैं यार, थोड़ा अलग अलग आओ ना दमे, तो अलग अलग आओ। अरे अरे अरे, एक को तो हमने मार दिया, एक उसको भी मार देते हैं। ये इसको लगा 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 भाई, कितनी हेल्थ है तुम्हारी, कितनी? ये बच्चे को जल्दी मारना पड़ेगा, ये बच्चा बहुत खतरनाक है भाई। जल्दी, क्या देख रहा है बच्चे, तू जाने वाला है बच्चे का? नहीं भाई, अब फंस गए मकड़ी के जाले के अंदर, एंड ये बच्चा भी मर गया। एंड अभी देखना पड़ेगा ये अपना कहाँ से जाने का रास्ता है। क्या लिखा है? फाइंड एंड डू डू ब्रो, फाइंड एंड डू का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे हमें सबसे पहले आई थिंक लीवर ढूंढना पड़ेगा इस गेट का, एंड यहाँ पे तो बहुत सारे लीवर, एक सीन इसको ओपन करें, शायद ओपन हुआ नहीं हुआ, एंड यहाँ पे भी एक लीवर है, इसको ओपन करें। अभी अभी भी नहीं हुआ ब्रो, और लीवर कहाँ है? एक यहाँ पे लीवर, इसको ओपन करके देखते हैं, ऑन करके देखते हैं, एंड ऑन, हाँ ऑन हो गया, ये भी देखते ऑन हुआ भाई, ओपन हो गया। एंड यहाँ पे ये हटा दिया ब्रो, अब जाने का रास्ता कहाँ से निकलेगा? वो बंदा तो कहाँ से, ये अपने को ये आप भी रखना पड़ेगा रेस्टोरेंट, ये रख देते हैं। अपने पास तो वो सामान पहले पड़ा था अपने घर के लिए, पर यहाँ पे लगाना पड़ रहा है सारा सामान। एंड यहाँ क्या लिखा है? स्टे अलर्ट फ्रॉम फॉर TNT, भाई इसका मतलब क्या हो गया? एंड यहाँ तो कोई TNT है ही नहीं, या तो बकचोदी फैली जा रही थी, मेरे को लगा कुछ होगा खतरनाक, पर कुछ नहीं है ब्रो। आवाज आई आवाज आई आवाज आई भाई, TNT सही में था यहाँ पे, पर वहीं पे था, इतने एरिया में था, तो भाई इतने एरिया में इसने क्या, इसने बेफालतू में यार अपना ट्रैप किया था। यहाँ पे ड्रॉ खोलते हैं, और यहाँ पे अपना आर्मर पड़ा है, गोल्ड आर्मर नेदरराइट का, और यहाँ पे क्या पिकेस पड़ा है ऊपर के अंदर, एंड पिकेस लेते हैं हम लोग, एंड सबसे पहले इसको तोड़ने लग जाते हैं। पिकेस लो यहाँ से, इसको तोड़ो, हमें को जल्दी से जल्दी आर्मर पहनना है, और ये पूरे विलेज में SMB में अपने अपना रोड चलाना है, और अपना अपने आप को लीडर बनाना है। एंड सबसे पहले उसके लिए अपने को ये आर्मर पहनना पड़ेगा, अपना डायमंड का आर्मर हटाओ, सबसे पहले ये ले लेते हैं, ये सब ठीक, ये सब यहाँ रख लेते हैं, आर्मर के लिए जगह बना लेते हैं जल्दी से, ये जल्दी से रख लेते हैं, ये रख लिया। अरे आप इसको लग गया, अपने पर रखो, इसको पहले हटाओ यहाँ से, इसको हटाओ, ये यहाँ पर रखो, इसको हटाओ, इसको कहीं पर फेंकना पड़ेगा, इसको फेंकना पड़ेगा आई थिंक, इसको फेंक देते हैं हम लोग, एंड ये ले लेते हैं। अरे फिर से लग गया उसमें, मेरे को पहनना है ब्रो, आप ही लो, ये भी चला गया वहाँ पे, ये भी पहन लेते हैं, ये भी पहन लेते हैं हम लोग, यही पहन ली हमने। एंड चूते भाई साहब, ये आर्मर तो देखो कितना कूल लग रहा है, चमकता हुआ नेदरराइट का आर्मर, भाई क्या कूल आइटम है अपने पास, इससे तो हम SMB के सबसे स्ट्रांगेस्ट प्लेयर बन सकते हैं, और अपना ही राज चलेगा पूरे SMB में, और कोई अपने आगे आएगा ही नहीं कोई भी ब्रो। ये तो देखो ब्रो, क्या खतरनाक लग रहा है स्टेप, भाई साहब यार कितना स्ट्रॉन्ग लग रहा हूँ मैं देखने में। और भाई भाई साहब ये आ गया, भाई ये आ गया तलवार लेके ब्रो, भाई इसके बाद एनचांटेड डायमंड है,